ब्रेन उसी अकॉर्डिंग प्रोसेस करके वैसे ही स्लोली वर्क करता है. दिस इज द वे टू रिवाइज द थिंग्स इन वन मिनट बिफोर एग्जाम्स एंड टू हैव मल्टीपल रिविजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर वन. सो इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू मेक नोट्स ड्यूरिंग दिस वन मंथ. सबसे पहले चीज, इस एक महीने में आपको ऐसे नोट्स बनाने, पहले बात तो नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हम जब तक लिखते नहीं है तब तक हमें चीज़ें याद नहीं होती. तो फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू कंप्लीट या हु आर नॉट एबल टू रिवाइज द टॉपिक और हु फील कि बिना लिखे हमें नहीं होता लर्न, तो उनके लिए ये एक वीडियो है. इसमें मैं आपको बताऊंगी लास्ट मिनट नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी. सो लेट्स बिगिन. यू डोंट नो मी, दिस इज नेहा शर्मा एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम SRBS मेडिकल कॉलेज. आई गेव नीट इन 2020 एंड आई स्कोर्ड 594 मार्क्स आउट ऑफ 720. सो लेट्स हैव द वीडियो. पहली चीज, एक मिनट में अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए आपके पास एक पेज का नोट होना चाहिए. आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसमें वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक पेज के अंदर आ जाए. चाहे वो उस नोट्स में आपको ऐड क्या क्या करना है, उस नोट्स में आपको ऐड करने हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मिस्टेक्स यू डिड, जो भी आपको मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स है, जो पॉइंट आप बार बार भूल जाते हो एग्जाम में वो पॉइंट उसमें लिखना है. तो ऐसी ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है. प्लस कोई डायग्राम है तो उसको रफली डायग्राम करके उसकी लेबलिंग, ठीक है, कोई टेबल है तो वो, कोई वैल्यू है जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है कुछ कुछ चीज़ें की, जैसे बायो में भी होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, PO2 और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी हमें वैल्यूज न्यूमेरिकल्स याद करने होते हैं, तो वो, तो वैसी चीज़ें आप लिख सकते हो जिसको आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना है और रिवाइज करना है और एग्ज़ाम देने जाना है. लेट मी शो यू माई नोट्स. मैंने एक ये ली थी, ये एक ड्राइंग बुक, ये इसमें मैंने एक पेज पे एक लिख रखा है. जैसे ये एक फ्लूट्स का है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये पूरा एक पेज में पूरा फ्लूट्स मैंने फिनिश कर रखा है. फ्लूट्स में इतने सारे फॉर्मूलेज हैं. तो मेनली वन मिनट नोट स्ट्रैटेजी जो है वो फिजिक्स के लिए स्पेशली अप्लाई कर सकते हो. उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एक पेज पे लिखते जाओ सारे फॉर्मूलेस एक ही पेज पे लिख के कंप्लीट करो. हमारा ब्रेन की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब हमें बहुत सारे पेजेस दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है इस टॉपिक को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा. तो हमारा ब्रेन उसी अकॉर्डिंग प्रोसेस करके वैसे ही स्लोली वर्क करता है. लेकिन जब कोई चीज़ कंसाइज वे में होती है, एक ही पेज पर होती है, तो हमें लगता है ये एक ही पेज है तो जल्दी हो जाएगा. तो उस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी एक्ट करते हैं. तो इसीलिए ये एक पेज के नोट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप रैपिड रिवाइज कर सकते हो, एक चीज़ को बार बार पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो. तो वन मिनट नोट स्ट्रैटेजी जो है वो आपको इसमें हेल्प करेगी. देन उसके बाद आप कंपेयर करके भी कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के जो फॉर्मूलेज हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट कंपेरेटिवली चलते हैं. बस उसमें डायमेंशन उसमें अलग है, इसमें अलग है, बाकी फॉर्मूलेज जो हैं वो सेम रहते हैं. तो आप वैसे कंपेयर करके भी कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ये वन मिनट नोट्स जो हैं वो शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको आपसे ज़रूर शेयर करूंगी. सो दिस इज़ द वे टू रिवाइज द थिंग्स इन वन मिनट बिफोर एग्जाम्स एंड टू हैव मल्टीपल रिविजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो दीज थिंग्स रियली हेल्प्ड मी ऑल्सो, आई होप ये आपको भी हेल्प करे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. So that's all for this video. If you like the video, do subscribe the channel, to hit the like button, and koi bhi doubt ho, you can ask me in comment box. And yes, ye notes agar aapko chahiye, to please mujhe comments mein zarur batana. So thank you so much.